धीरज जी जो बिल्कुल ठीक बताया, जैसा उनका नाम वैसी उनके कर्म है। और पिछले 2 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, उन्होंने बताया कि 3 साल से प्लास्टिक को किस तरह हमारे जिंदगी से बाहर हो सकता है, वो खुद को कोशिश करते हैं, औरों को भी कहते रहते हैं। और पीछे के समय अभी एक प्रसाद था, हम कहीं बैठे थे, हवन पे प्रसाद था, तो इनके पास चम्मच वही प्लास्टिक वाला था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत मतलब जीवन के अंदर जो किसी को कहना वो नियम बनाए, उस प्लास्टिक के चम्मच से इन्होंने प्रसाद नहीं लिया, वो चाहे हाथ से खाना पड़े या स्टील का चम्मच अवेलेबल हो गया तो उससे किया। बहुत ही करनाल के पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ तो अच्छी करनाल के अंदर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। हमारे मंच पे बैठे हुए राजीव जी, सुधीर जी और इस संस्था को चला रहे अलका जी, किरण जी, और आप सबके सहयोग से जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरह आप जानवरों के प्रति अपने व्यवहार करते हैं, कैसे जानवरों को बचाते हैं, कैसे जानवरों को पालते हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो ये संस्था ही है समाज के अंदर, हम सोचे कि सरकार ही सब कुछ बदल करेगी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सरकार एक सहयोगी हो सकती है, बदल तब होता है जब आदमी के अपने दिल में होता है, सारी पब्लिक समाज अगर जागता है तो वो बदलाव संभव है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान तो चलाया, परंतु वो तब संभव हो जाएगा जब हम सब उस अभियान के साथ जुड़े। अभी आज विषय है जो बेजुबान जानवर है, बताया उन्होंने कि कैसे युधिष्ठिर के साथ, हमारे पुराने ग्रंथों में भी, हमारी कहानियों में भी हम अगर देखेंगे तो बेजुबान जानवरों का हमें ध्यान है कि छोटे होते हमारे घर में जैसे था कि सबसे पहली चपाती जो बनती थी गाय के लिए बनती थी। आप देखोगे सुबह सुबह पहले, अब तो नहीं ऐसे है कि सुबह सुबह गेट पे अगर आएगी तो अपने आप ही दरवाजा गाय खोल देती थी, आगे उसको अपना सींग मारती थी। शाम के जब अंतिम चपाती बनती थी वो कुत्ते के लिए बनती थी। हम छत के ऊपर पक्षियों के लिए दाना डालते थे, पानी रखते थे, अब भी रखते हैं बहुत सारे लोग। कीड़ी को, चींटी जो होती है उसको आटा देते थे। यानी हर जीव के अंदर उसके अंदर आग के अंदर जीवन होता है, तो ये हमारे संस्कारों में सिखाया गया है। जैसे इन्होंने बताया ऐसे मेरे को भी एक बैठे बैठे बात ध्यान आई, लगभग 35-40 साल पुरानी बात होगी। घर में चूल्हे नहीं होते थे, अंगीठी होती थी, वो अंगीठी पे हमारी बड़ी भाभी जी थी, खाना बना रहे थे, हम साथ में बैठ के खा रहे थे। एकदम बाहर से छोटे से बिल्ली का बच्चा आया, तो जैसे हम सामने बैठे तो हमें डर के वो बाहर जाने लगा, तो बाहर से कोई और आ रहा था, वो अंगीठी के अंदर घुस गया, छोटा सा बच्चा। तो हमारी भाभी ने तुरंत वो जो कपड़ा उस समय पड़ा था लपेटा हाथ पर, अंगीठी के अंदर हाथ डाल के उसको बाहर निकाला कि ये मरना नहीं चाहिए अंदर। हाथ जल गया पर उसको बचाया, पानी से नहलाया, जो ये सारे काम हमने बचपन में देखे हैं, तो ये हमें प्रेरणा देते, कभी जिंदगी में भूलते नहीं है। चाहे उस समय हमारे शास्त्रों में, चाहे वो पंडितों का डर भी दिखाते थे कि एक अगर बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली बना के देनी पड़ेगी, कि हमारे शास्त्रों में एक डर दिखाया गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम अगर देखें, महाभारत जब हम शस्त्र विद्या, हमारे पांडव और कौरव जब शस्त्र विद्या ले रहे थे, तो एक लवे का भी कहानी हमने सुनी है, तो उसकी परीक्षा लेने थी, उनको कहा कि सामने एक कुत्ता भौंक रहा है, इसको भौंकना बंद कर दो। आज के समय में अगर किसी को कहोगे तो सीधा उसको ईंट पत्थर उठा के मारेगा, या घर में कोई बंदूक रखी होगी तो मारेगा, परंतु उस एक लवे ने उसका मुंह बंद कर दिया, एक खून का कतरा भी उसके मुंह से नहीं निकला। इतनी चिंता उस समय होती थी जानवरों का। इतनी प्यार अगर देखे हम रामायण के अंदर देखें तो बंदरों ने कैसे, वानर सेना ने राम जी का साथ दिया। घोड़ों के अंदर अगर हमने रामायण पढ़ी है उसके अंदर देखते हैं जब भगवान राम का वनवास हुआ, दशरथ ने सुमंत्र, उनके जो मंत्री थे, उनको कहा कि इनको जंगल तक एक थोड़े रास्ते घुमा के या छोड़ के आओ। जब वो वापिस आए, राम जी को छोड़ के वापिस आए, वो जो घोड़े थे, रथ थे, रथ में लगे वो घोड़े थे, उनके अगर आप कभी रामायण में देखा तो क्या हालत थी, मुड़ मुड़ के देख रहे थे। जानवर के अंदर भी इतना दिल होता है, इतना मोह होता है अपने जो जिनके साथ वो रहते हैं। तो करनाल के अंदर जैसी है हमारी संस्था है, ऐसी ही एक 14 सेक्टर में, शायद 6 सेक्टर में है, जो पक्षियों का जीव मंगलम। मैं वहां दिख गया, एक दो बार पक्षी मेरे को भी सड़क पे मिले, मैं उनको वहां छोड़ गया, और वहां जाके बकायदा मैंने देखा
एक पक्षी को किस तरह उनका इलाज करते हैं, एक कमरे में जब वो ठीक थोड़ा हो जाता है उड़ने लग जाता है, दूसरे कमरे में जाता है, फिर तीसरे में, और फिर अपने आप उड़ के अपने जीवन वो जीता है। तो ये सारी बातें हमारे संस्कारों में, हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में बताई गई है। हम इसके अंदर कहां से योग कर सकते हैं? एक समस्या भी है, जैसे बताई है कि आज बहुत बड़ी समस्या भी है कि जब हमारा कुत्ता है, एक तो हम उसको पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, दूध देते हैं, परंतु कई बार वो हमें नुकसान भी करता है। तो ये संस्थाएं उनको कैसे सहयोगी हो सकते हैं, सरकार इसमें कैसे सहयोगी हो सकती है, ये आप अपना अनुभव से अगर हमें बताएंगे तो हम सरकार के अंदर वैसी प्लानिंग करके इन जानवरों को भी बचा सके और जो लोगों को परेशानी होती है उस परेशानी को भी दूर कर सके। छोटा सा एक और भी ध्यान आ रहा है उदाहरण कि शास्त्रों के अंदर अगर हमारे घरों में भी देखा होगा, जब हम श्राद्ध करते हैं, हवन करते हैं, हम उसके अंदर कुत्ते का हिस्सा अलग, कौवा का हिस्सा अलग, गाय का हिस्सा अलग, ये सारे हमारे संस्कारों में, हमारे संस्कृति के अंदर बताया गया है। मैं पुनः आप जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सरकार में रहते हुए क्या लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप अपने अनुभव से हमें बताएंगे तो हम उसको कोई ना कोई काम सिरे जरूर चलाएंगे। धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद संजय बटला जी का। और इनसे अगर इन्होंने कहा है कि सरकार के साथ रहते हुए क्या है, तो हमारी मांग इनसे सिर्फ यही रहेगी कि करनाल में अगर SPCA हो जाए, जो कि ऑलरेडी अलॉटेड बिल्डिंग थी वेटरनरी हॉस्पिटल के पीछे, जिसको बाद में शायद साइबर सेल में कन्वर्ट किया गया, वो अगर पेपर्स में देखें और ऑनलाइन भी चेक करें कि साइबर अपना SPCA यहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑफिशियली लाइक पेपर्स में अगर SPCA यहाँ हो तो छोटे से चूहे से लेके किसी भी बड़े जानवर तक का ट्रीटमेंट वहाँ हो सकता है। और हम जितनी संस्थाएं बनती हैं, ये संस्थाएं वहाँ वॉलंटियर सर्विस वहाँ जाके दे सकती हैं, और आपस में कोई और संस्थाएं बनाकर पॉलिटिकली या सोशल मीडिया का यूज़ करके अपना नाम नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक SPCA होना चाहिए, जैसे हमारे चंडीगढ़ में है अभी, बल्कि कई जगह पर तो डॉग्स पार्क भी बने हैं, पंचकुला में बहुत अच्छा डॉग्स पार्क भी ऐसे बना हुआ है। तो इस तरह की अगर सुझाव आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको जाएं, तो मेरे ख्याल से करनाल एक स्मार्ट सिटी को बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। थैंक यू। अभी हमारे एक और वॉलंटियर